हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंडेंस मैटर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपकी यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करा है। ये है सेमेस्टर थर्ड MSc फिजिक्स का सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट कोड है MSCPH531 और ये 2018 का पेपर है, इसलिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो टोटल नंबर क्वेश्चंस इसमें 20 है और इन 20 क्वेश्चंस में आपको मिलती है चॉइसेस। ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो सेक्शन ए है इसके अंदर टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 10 के 10 करने कंपलसरी है और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। और जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर आपके पास 7 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के, जिसके अंदर से स्टूडेंट को 6 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो सेक्शन सी है इसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं 10-10 नंबर के, लेकिन स्टूडेंट को इसमें से 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो जो आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स है पेपर के वो है 70 मार्क्स और जो टाइम आपको मिलता है वो होता है 3 आवर्स। अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें या क्वेश्चन देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सेक्शन ए में आपसे पूछा गया है जैसे कि कोहेसिव एनर्जी क्या होती है। अगर मैं कोहेसिव एनर्जी की बात करूँ तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई भी एक एटम है, ठीक है, उस क्रिस्टल है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी उसके क्रिस्टल्स को उसके एटम या मॉलिक्यूल के अंदर रहने के लिए चाहिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव एनर्जी। मतलब कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म द क्रिस्टल बाय द एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहेसिव एनर्जी। और कोहेसिव एनर्जी इज द एनर्जी गेन्ड बाय अरेंजिंग द एटम्स इन अ क्रिस्टलाइन स्टेट एज कम्पेयर्ड विद द गैस स्टेट। इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स हैव लार्ज कोहेसिव एनर्जीज। दीज सॉलिड्स आर बाउंड टुगेदर स्ट्रांगली एंड हैव गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊँ तो जो आपके इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा कोहेसिव एनर्जीज होती है। ये जो सॉलिड्स होते हैं आपके पास सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इसके अंदर जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड और स्ट्रांगली बहुत ही ज़्यादा पैक्ड होते हैं, इस वजह से इनकी कोहेसिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है स्टिफनेस कॉन्सेंट क्या होता है। स्टिफनेस कॉन्सेंट का मतलब है अगर मान लो मैं किसी स्प्रिंग को खींचूँ और उसको कंप्रेस करूँ तो कुछ टाइम के बाद वो अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी कुछ डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करने के बाद। तो उसी को जो फोर्स एग्जर्ट करी जाती है किसी भी मटेरियल के द्वारा ताकि वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, उसी चीज़ को हम कहते हैं स्टिफनेस कॉन्सटेंट। जैसे कि F=-KX, जो K है यहाँ पे आपका कॉन्सटेंट है और ये किस डायरेक्शन में होता है, आपके इक्विलिब्रियम पोजिशन की डायरेक्शन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ द डी बाई टेम्परेचर ऑफ मेटल इज 450 केल्विन, कैलकुलेट द डी बाई फ्रिक्वेंसी। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल है आपको फॉर्मूला बताना चाहिए तभी आप सॉल्व कर सकते हैं इसका। इसका कुछ आंसर आएगा आपका 1.4444। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे आपको आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी बतानी चाहिए क्या चीज़ है। कभी कभी क्वेश्चन उठ के आ जाता है डायरेक्ट की एक्सप्लेन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। अगला है, डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास का क्या सिग्निफिकेंस है। जो इफेक्टिव मास होता है वो आपका कोई भी आपकी जो आपकी ट्रांसपोर्ट कैलकुलेशंस होती है, ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन, उनको करने के लिए काम आता है। जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए और किसी भी कैरियर ग्रेडियंट्स के जरिए, उनके इन्फ्लुएंस को कौन नापता है, आपका इफेक्टिव मास कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। और ये कैरियर डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, वो भी सब जानने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू सुपरकंडक्टिंग करंट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ अ सुपरकंडक्टर। अब जो भी सुपरकंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें पता ही है कि सुपरकंडक्टर के जो इंटीरियर होता है सुपरकंडक्टर का, वहाँ पे लाई नहीं करता। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करते हैं जो सरफेस होता है सुपरकंडक्टर का, उसके पास नियर द सरफेस ऑफ सुपरकंडक्टर। इसी वजह से जो सेल्फ फील्ड होता है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाता है, अंदर के अंदर जो अंदर आपका फील्ड जनरेट होता है वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ द शेप ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल चेंजेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। पहले तो हिस्टेरेसिस कर्व होता क्या है हम वो जान लेते हैं। जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो हमें बताता है कि कौन सा मटेरियल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। जैसे कि कोई भी मटेरियल है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के काम आएगा, हार्ड मैग्नेट बनाने के काम आएगा, सॉफ्ट मैग्नेट बनाने के लिए आएगा। तो इसके अंदर हम इसकी सैचुरेशन पॉइंट और रिटेंसिविटी देखते हैं कि किस मटेरियल की कितनी है, और उस हिसाब से हम उसका हिस्टेरेसिस कर्व निकाल के उसके मैटर की स्ट्रेंथ जान पाते हैं। इसके अंदर जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो हिस्टेरेसिस कर्व को नहीं शो करते, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही इस कर्व को शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डाई इलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन क्या होता है, डोमेन्स क्या होते हैं।
तो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैं जो ये होता है कोई भी डिले और लैग होता है जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बीच में होता है मटेरियल के, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन। दिस इज यूजली कॉज्ड बाय द डिले इन मॉलिक्यूल पोलराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जैसे ही किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में किसी भी मॉलिक्यूल की पोलराइजेशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसी को कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन। डोमेन्स क्या होते हैं, अगला क्वेश्चन है डोमेन्स और डोमेन थ्योरी क्या होती है। अगर मैं इसको समझाऊँ तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो एटम होते हैं वो पार्शियली फील्ड होते हैं, डोमेन्स की अपनी अपनी मैग्नेटिक मोमेंट होती है और मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मटेरियल की ज़ीरो होती है, और इसके बाद ईच डोमेन हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर, अगले क्वेश्चन है आपके पास मेड्यूलंग कांस्टेंट क्या होता है। कुछ आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर से, ऑब्टेन अ इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जनरेटेड बाय व्हेन अ फोटोन इज स्कैटर्ड इन इलास्टिकली एट एंगल ऑफ थीटा, डिस्कस पीरियोडिक रिड्यूस्ड एंड एक्सटेंडेड जोन स्कीम विद प्रॉपर डायग्राम, ऑब्टेन क्लॉजियस मोसेरेटी इक्वेशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज टू डिटरमाइन द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पॉपुलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेजरमेंट्स, इवेल्यूट द टेम्परेचर एट विच देयर इज वन परफेक्ट प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टेट विद एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द फर्मी एनर्जी विल बी ऑक्यूपाइड बाई एन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन सी में भी आपसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप इनको अच्छी तरीके से करके जाते तो आप बहुत